स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त सेमीफाइनल मैच चल रहा है और बड़ी अजीब एक संयोग हुआ कि सढ़ौरा की दोनों टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश किए हुए हैं। एक फाइनल टीम रोहतक की टीम जो है वो फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। इस टाइम देख सकते हैं आप दोनों बराबर की टक्कर, दो क्वार्टर हो चुके हैं, दोनों की बराबर की टक्कर है जी। आपको दिखाते हैं दोनों टीमों का मैच, जबरदस्त एक मैच आपस में, बहुत तगड़ा मैच। दो टीमें सढ़ौरा की दोनों टीमें हैं और सेमीफाइनल का मुकाबला फाइनल में जाने के लिए। फाइनल में रोहतक की टीम पहले से पहुंच चुकी है, जो यहां से विजयी होगी वो रोहतक के साथ उसका सामना होगा। तो आप देखेंगे सढ़ौरा की दोनों टीमें और दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हुई और सेमीफाइनल में निर्णायक जंग इस वक्त हो रही है। अपने अपने दोनों मैच जीतकर ये दोनों टीमें जो हैं सेमीफाइनल में पहुंची हैं और देखिए बहुत ही बराबर की टक्कर इस वक्त दोनों टीमों के बीच में। शूट कर दिया, एक स्कोर ले लिया। दो फ्री हिट, दूसरा शूट और दूसरा भी स्कोर कर लिया। बहुत ही जबरदस्त इस वक्त दर्शकों का उत्साह आप देख सकते हैं। 25 और 23 बहुत ही बराबरी की टक्कर कह सकते हैं। 25 और 23 के सढ़ौरा एक 23, तो जो सढ़ौरा बास्केटबॉल क्लब है उसके 25 है, सिर्फ एक बास्केट का फर्क है। आप देख सकेंगे जबरदस्त ये मैच। दर्शकों की पूरी भीड़ इस वक्त इस मैच को देखने के लिए। सेमीफाइनल का ये मैच और इसके बाद जो विजयी होगी वो फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। हल्की फुल्की सी नोकझोंक चलती है क्योंकि निर्णायक मैच है। अगर विजेता बने तो फिर पहले प्राइज के लिए टकराएंगे, अगर हारे तो फिर तीसरे नंबर के लिए लड़ेंगे। कोई भी टीम हारना नहीं चाहेगी, इस कारण से बराबर बराबर का स्कोर चल रहा है 23 और 25। केवल एक बास्केटबॉल का, एक बास्केट का फर्क है, एक बास्केट डलते ही स्कोर लेवल पे आ सकता है। दर्शकों में बहुत उत्साह देख सकते हैं आप। काफी संख्या में दर्शक मैदान को घेरे हुए हैं। लगातार आपस में नोक झोंक और बहस भी यहां पर आप देख सकेंगे। कुछ पलों के लिए मैच रुका हुआ, कुछ विषय पर सहमति बनी। सढ़ौरा 23 और सढ़ौरा बास्केटबॉल क्लब 25, दोनों सढ़ौरा की टीमें। अब सढ़ौरा का खिलाड़ी सरदार जी, जो गांव फाजिलपुर का बताया जाता है, और ये सढ़ौरा बास्केटबॉल क्लब एक बार फिर अपना जोखिम दिखाते हुए और फाउल करार दिया रेफरी द्वारा। काफ़ी नोक जो अब देख सकते हैं, बाहर से भी काफ़ी इंटरफेयर इस वक्त की जा रही है। रेफरियों को भी बहुत संभल कर निर्णय देना पड़ेगा कि दर्शकों की संख्या दोनों टीमों के पक्ष में, जितने भी दर्शक हैं सभी सढ़ौरा से हैं। बाहर से कुछ टीमें जो हार गई थी टीमें वापस लौट चुकी हैं, केवल रोहतक की टीम यहां पर है। और जो सेमीफाइनल में हारेंगे वो तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहस का मुद्दा इस वक्त और अब ये सढ़ौरा की टीम के खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए ड्रिबलिंग करते हुए और शूट किया,
फाउल करार दिया वहाँ पे। यहाँ से कोच चेतन को देख सकते हैं आप, गुस्से के अंदर, किसी भी क्षण को गंवाना नहीं चाहते, हार स्वीकार नहीं है। फ्री शूट इस वक्त सढ़ौरा टीम को, सढ़ौरा बास्केटबॉल क्लब के मुकाबले में। स्कोर 1 अंक मिल गया। अगला स्ट्रोक और वो भी डल गया, 2 अंक मिल गए। 25 पर इस टाइम सढ़ौरा है और 25 पर ही सढ़ौरा बास्केटबॉल अकेडमी, यानी दोनों सढ़ौरा 25-25 टीमों के साथ, अंकों के साथ। देख सकते हैं कितना घमासान इस सेमीफाइनल मैच में हो रहा है। 25-25 अंकों पर ये दोनों टीमें हैं, 25-25 के स्कोर पर। अब सढ़ौरा सरदार जी शूट किया और 2 अंक ले लिए। एक एक अंक की लड़ाई इस वक्त आप देख सकते हैं, 1 अंक के साथ स्कोर 27 हुए। लीजिए आप सढ़ौरा अकेडमी की बॉल, अकेडमी के पक्ष में बॉल और आगे बढ़ते हुए, लेकिन ड्रिपलिंग हुआ, लेकिन थोड़ा फाउल करार दिया। देखेंगे नज़दीक से। अब सढ़ौरा अकेडमी शूट किया और 2 अंक के साथ 2 की बढ़त बनाई। एक अंक की जो है लड़ाई, टाइम आउट लिया कोच ने। कोच सलाह करना चाहेंगे अपने खिलाड़ियों से, देख सकते हैं 25 और 27, केवल एक बास्केट का फर्क है। एक बास्केट डलते ही 2 अंक मिलते हैं। टांगे थकावट, गर्मी का मौसम, ऊपर से नीचे से पूरी गर्मी, मौसम गर्म और थोड़ा टाइम आउट लिया। दर्शकों को आप संख्या देख सकते हैं, चारों तरफ काफ़ी संख्या में इस वक्त दर्शक, चारों ओर से घेराबंदी। दोनों सढ़ौरा की टीमें, एक टीम ये अपने अपने राउंड के 2-2 मैच जीतकर ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं। तीसरे क्वार्टर का 1:10 अब शेष है, जैसा कि रेफरी बता रहे हैं। बॉल जो है दोनों की अच्छी खासी भिड़ंत, स्कोर बहुत ही 25 और 27। बास्केटबॉल एकेडमी 25 पर है तो दूसरी सढ़ौरा की टीम 27 पर है, बहुत ही नज़दीकी मामला। दर्शक लगातार बाहर से कमेंट्स कर रहे हैं, मैच एक बार स्टार्ट हो गया। सढ़ौरा की टीम इस टाइम आगे बढ़ते हुए और ये स्कोर, सढ़ौरा के अंक बढ़कर 29 और दूसरा स्कोर 25 है। काफ़ी गर्मी का माहौल दर्शकों के बीच में भी है। दोनों दलों के दर्शक अपने अपनी टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हैं और इसी कारण से वो लगातार हुटिंग कर रहे हैं। सढ़ौरा बास्केटबॉल क्लब के हाथ में बॉल, फायर किया लेकिन कोई फर्क नहीं। सढ़ौरा अठारह वर्ष की आयु का यह टूर्नामेंट है। सढ़ौरा इस टाइम हमले पर आराम से 2 अंक ले लिए। धीरे धीरे बढ़त सढ़ौरा की हो रही है, सढ़ौरा बास्केटबॉल क्लब के मुकाबले में। फिर सढ़ौरा सेकेंड का खेल क्वार्टर का रह गया है।
थ्री शूट मारना चाहते थे और इस प्रकार से ये क्वार्टर भी अब संपन्न हो गया, अब लास्ट क्वार्टर चलेगा। इस टीम का उत्साह काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तीन क्वार्टर हो चुके हैं, एक क्वार्टर का केस अब फाइनल है। ये टीम सढ़ोरा बास्केटबॉल क्लब जो कि आयोजक भी है इस टूर्नामेंट की, जी जान लड़ाए हुए है और आज रात को ही इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाना है, तो यहाँ से थकना मना है, तुरंत फाइनल मैच खेला जाएगा। आरंभ हो चुका है हमला और ये दो अंक के साथ हौसला बढ़ चुका है सढ़ोरा टीम का, सढ़ोरा बास्केटबॉल क्लब के मुकाबले में। बॉल सढ़ोरा के हाथ में, हौसला लगातार बढ़ा हुआ है, देखेंगे। और दर्शकों का भी उन्हें काफ़ी समर्थन मिल रहा है। सरदार जी अकेले ही प्रवेश करना चाहते हैं और अकेला पाकर उन्होंने शूट किया, लेकिन नहीं, ये और ये फाउल करार दिया। स्कोर सढ़ोरा 33 और दूसरी टीम 25 पे है। फ्री शॉट मिलेंगे अब, अगर दो अंक लेते हैं 27 हो जाएगा, लेकिन स्कोर दूसरी तरफ 33 हो गया है। एक अंक मिल गया, स्कोर हुआ 26, दो पर दो अंक मिलेंगे, एक पर एक अंक, देखेंगे आप डलते हुए। शॉट और यह 27 और 33, तीन बास्केट दूर है हवा में बॉल। अब की बार सढ़ोरा बास्केटबॉल टीम आगे बढ़ते हुए, सढ़ोरा की टीम हमला पर, काफी विरोधाभास, शोर शराबा, बहुत ही आप देख सकते हैं, दर्शक भी लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं और फाउल मिला, टू फ्री शॉट मिलेंगे, देखेंगे। अब 4 मिनट का खेल है अभी बाकी, एक अंक ले लिया, दूसरा और ये भी अंक, घेरे हुए हैं इस खिलाड़ी को सरदार जी, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी, अकेला ही जिता सकता है। और ये देखते हैं कि क्या निर्णय होता है अंपायर का, लेकिन ये फाउल करार नहीं दिया, काफ़ी भैसम भैसा ही आपस में। तो मिल रहा है सढ़ोरा बास्केटबॉल क्लब को, बाहर से आप देख सकते हैं कि कोच लगातार उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये शॉट देख सकते हैं पहला, और ये बिल्कुल बहुत ही क्लियर शॉट पाया, एक टाइम और ये बहुत क्लियर शॉट,
सड़ोरा एक बार फिर हमले पर। सड़ोरा बास्केटबॉल क्लब के मुकाबले में शूट किया और ये तीन, स्कोर तीन, सीधा तीन पर बराबर मुकाबले पर 33-33 का मुकाबला हो गया। बहुत टक्कर जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रही है, बहुत हिम्मत कर रहे हैं खिलाड़ी, अकेला लगा हुआ है और ये दो अंक लेकर फिर बढ़त बनाई। अब देखना ये है कि क्या इस अकेले खिलाड़ी को रोक पाएंगे, लेकिन नहीं। जबरदस्त मुकाबला इस वक्त, एक एक अंक की लड़ाई, जबरदस्त शॉट, चार अंक की फिर एकदम से बढ़त। आप देख सकते हैं कि बहुत टकराव, लास्ट मिनटों में मैच आ गया है। 33 और दूसरी तरफ है 39, 33 और 39, 33 और 39, 33, तीन बास्केटबॉल का फर्क पड़ गया है, तीन बास्केटबॉल का फर्क है। जबरदस्त फायर, और अकेला खिलाड़ी मैदान जंग में बढ़ गया है। ये देखिए काफी विरोधाभास आपस में, और ये एक बार फिर फ्री शॉट मिलेगा। लगभग पौने दो मिनट का खेल बाकी है, अब फ्री शूट लेंगे सड़ोरा बास्केटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी। पहला फायर खाली गया, अब भाग्य भी साथ नहीं दे रहा। दूसरा और स्ट्रोक लिया एक अंक लेकर, थोड़े से अंतर को कम किया। अब हमले पर सड़ोरा की टीम, मैन टू मैन, और ये दो अंक, एक बहुत ही बेमिसाल स्ट्रोक। एक एक अंक की लड़ाई, एक एक अंक की लड़ाई, और ये स्ट्रोक एकदम से पासा पलट दिया। मुकाबला बेहतरीन मुकाबला इस वक्त हो गया है, 39, केवल एक अंक का फर्क, एक अंक का फर्क, एक अंक का फर्क है इस वक्त। लगभग एक मिनट का समय और एक अंक का फर्क है सड़ोरा बास्केटबॉल एकेडमी। जबरदस्त मुकाबला, आप देख सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, काफ़ी चोटीला और काफ़ी थकावट मैच इसी के ऊपर सारी गेम है, और इसने ही मुकाबले को बराबरी पे लाकर खड़ा कर दिया है। थर्टी एट 39, केवल एक अंक दूर लड़ाई, और लास्ट मिनट में ये खेल आ गया है। अब देखते हैं कि कौन सी टीम फाइनल का टिकट प्राप्त करती है। एक एक अंक का मुकाबला होता है, लीजिए। देखना ये क्या रहता है, दर्शकों में पूरा उल्लास। लास्ट मिनट, जैसे निर्णायक ने बताया कि लास्ट मिनट का खेल अब बाकी रह गया है, बहुत ही खामोशी, उत्साह देख सकते हैं, दर्शक बहुत सन्नाटे के साथ इस मैच को देख रहे हैं। लास्ट मिनट और एक अंक, गेम स्टार्ट होती है।
ये देखिए सडौरा अटैक पर, सडौरा अटैक पर, कोई फाउल नहीं, फाउल की अपील की जा रही है लगातार, हमले पर टीम, हमले पर सडौरा बास्केटबॉल, हमले पर एक अंक चाहिए उनको बराबरी के लिए, एक अंक बढ़त के लिए, दो अंक बढ़त के लिए, बत्तीस सेकंड का मैच बाकी है, 32 सेकंड का मैच है, अगर एक स्कोर पर डलता है तो ये जीत जाएंगे, एक बास्केटबॉल से ही जीत जाएंगे। केवल एक बास्केट का फर्क, एक बास्केट का फर्क, सिर्फ एक बास्केट का फर्क, अगर डल गई, नो, मिस कर गए, मिस कर गए, अगर ये डल गई तो जीत इनकी निश्चित हो जाएगी। फिर एक बार सडौरा बास्केटबॉल इलेवन की, हो सकता कुछ भी, लेकिन फिर पासा पलट गया, और ये दो स्कोर, अब जीत जाएगी सडौरे की टीम। लास्ट में लो बस, अब मुकाबला सडौरा ये जीत गया, सडौरा ने ये मुकाबला जीत लिया है, सडौरा बास्केटबॉल अकेडमी मात्र एक स्कोर के अंतर से टीम हार गई है, जो ये आयोजक टीम है, मात्र एक अंक के स्कोर से, केवल एक अंक के स्कोर से जो है हारी है। एक अंक की कितनी वैल्यू होती है यहाँ पर पता लगती है लास्ट में, केवल मात्र एक अंक दूर रहकर ये मैच गवा दिया, ये विजेता टीम आप देख सकते हैं, ये है विजेता टीम, ये विजेता टीम, देखिए खिलाड़ियों से मिलने जा रहे हैं, पराजित टीम के खिलाड़ियों से, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर, एक खेल भावना देखने को मिल रही है, बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर। अब फाइनल मैच में रोहतक का मुकाबला सडौरा की ही टीम के साथ होगा, फाइनल मैच में भी आपको दिखाया जाएगा, एक बहुत ज़बरदस्त टक्कर यहाँ पर, एक एक अंक के साथ लड़ाई यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन एक हार तो हार है, एक अंक के साथ ये हार हुई। तो चलिए सेमीफाइनल से ये टीम सडौरा की ही एक टीम जो है सडौरा बास्केटबॉल एकेडमी को हराकर फाइनल में पहुंच चुकी है, अब देखना ये है कि फाइनल में रोहतक के साथ किस प्रकार का उसका मुकाबला होता है। तो बने रहिए स्टेट न्यूज 71 के साथ।